का मत तक में ये सूरज है जो ये बंदर। बहुत टाइम बाद बागेश्वर आया है और हमने सोचा कि हम चंडिका जाए, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और थोड़ी देर में सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के चंडिका आ जाएगा। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, मैंने तो ना वहाँ से पूरा बागेश्वर दिखता है। फाइनली इतनी सारी सीढ़ियाँ पार करने के बाद मुझे लगता है हम पहुँच चुके हैं चंडिका, सही पहुँचे। तो हम अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ से बागेश्वर दिख रहा है ये, और ये नदी यहाँ की सरयू नदी। बंदर, ये बंदर है इधर पे, और ये मंदिर, यहाँ शादियाँ भी होती है। मंदिर पहले से बड़ा बन चुका है। यहाँ से सबसे बढ़िया बात व्यू देखो, पूरा बागेश्वर दिखा देता, और नदी तो देखो जैसे कितनी बड़ी लगती है। अभी देखो ये पेड़ लग जा रहे हैं अपने, तो और भी दिखता। वो वहाँ पे बागनाथ है, ऑरेंज ऑरेंज, शादी हो रही किसी की। अंदर कैसे मस्ती मार रहे, देखो एक का नमत कर मारते हैं बंदर। ये बंदर आए जा रहे हैं, आए जा रहे। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी है दो बंदर, मारते वक्त आ रहे हैं। ये देख बंदर, नीचे तो देख ले मैम, वहाँ देखना राइट में। छोटे छोटे बंदर, बड़े बड़े बंदर, बहुत सारे बंदर। कुमाऊँ में घर बहुत होते हैं, मेरे बोला गढ़वाल में नहीं होते क्या? हाँ सुने, पहली बार देखेगा इतने घर। यहाँ बंदर ही बंदर भर गया है, बहुत बंदर आते हैं इधर। वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, सब सच बात। यहाँ पर टॉयलेट भी है, वैसा तो हो नहीं सकता कि मंदिर आया मंदिर ने दिखाया, तो ये है चंडी का मंदिर। चल यहाँ पे शेड लगा रखा है, और यहाँ पे भी छोटे छोटे और मंदिर है। यहाँ पे वो नीचे पे भी है सीढ़ी सीढ़ी, और यहाँ पे शादी जब होती है ना तो यहाँ पे लगता है वो काउंटर खाने का, मतलब पिछली बार जब आया थी तब तो यहीं लगा था। शेड है और ये मंदिर के लोग बैठे होंगे यहाँ पे, पिछली बार हम एक तो बैठे थे शादी में। ये गोले शायद पहले लगे थे कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करके चले। ये पता नहीं किस कैसे बनाया, मुझे नहीं पता, ऐसे आवाज़ आ रही है इससे। ये यहाँ पे बैठने के लिए भी है जगह, बागेश्वर दिख रहा है नीचे, आधा बागेश्वर इधर साइड से और आधा बागेश्वर उस साइड से दिखता है, तो पूरा बागेश्वर दिख जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो एक साथ दो शादियाँ जाती है, एक इस साइड पे एक उस साइड पे हो जाती है, और ज़्यादा मुझे पता नहीं है। पीपल का पेड़ है ये, वहाँ से एंट्री है, और ये चंडिका माता मंदिर, जय माँ चंडिका। शांति यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, लोग आ रहे हैं, कोई उस गेट से आ रहा है, कोई उस गेट से आ रहा है, जो रोड के रास्ते आ रहे हैं उस गेट से आ रहे हैं, जो सीढ़ी के रास्ते आ रहे हैं इस रास्ते आ रहे हैं। अब हमें बहुत टाइम हो गया, हमें कम से कम आधा घंटा हो चुका है, तो हम सोच रहे अब कि नीचे जाए हम दोबारा, रुको आए मेरे ले, हम जा रहे हैं। मैं यहाँ से दिखाती हूँ सीन नीचे। ओ शिट, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, एक दूसरे के जुए देख रहे हैं। ये छोटा बंदर मन कर रहा है कि घर ले जा लूँ मैं, डर रहे शायद मुझसे, चपट्टा ना मार दे बस, मैं छेड़ूंगी नहीं। ओ मम्मी मम्मी, मुझसे मैं देख रहा, कोई कह रहा था ये देखो, ये देखो मेरे पास आ गया, ये खा भी रहा है, पर खा भी रहा जी, मैं नहीं हूँ ये सूरज है जो ये बंदर जो बंदर है जो जुए देख रहा है ये पूरा सीन। और फिर मुझे किसी ने बताया कि ये सामने वाले पहाड़ पर नीलेश्वर है, जो यहाँ पे ये मंदिर से सीढ़ियाँ होकर जा रहे ऊपर, और आधा बागेश्वर वो नीचे से दिखेगा उधर को यहाँ पे से, क्योंकि ये आ जा रहा है ना, बहुत से नज़ारे होते हैं बंदर देखो बंदर बहुत क्यूट होते हैं और इंसानों जैसे ही होते हैं, इनके भी जुए पड़ते हैं और ये भी निकालते हैं। ये रोड का रास्ता है जो कि वो उधर बहुत पीछे से, टैक्सी स्टैंड के भी पीछे से है, यहाँ पे बैठने के लिए ये
बैठ सकते हैं यहाँ पे, नीचे भी बन रहा है। अभी भी देखो यार, मतलब जो यहाँ के मैंने मंदिर जितने भी देखे हैं ना, मैंने ये देखा है कि मंदिर होते हैं बड़े और फिर उसको और एक्सपेंड कर रहे होते हैं। हमेशा काम चल रहा होता है मंदिरों में कुछ ना कुछ है। हाँ यहाँ पे आ रहा है व्यू, वो वहाँ पे देखो बर्फ दिख रही है पहाड़ पे। वहाँ पे फोटो खिंचाने का बहुत बढ़िया है, कोई भी फोटो खिंचाओ आओ। क्या बोलूँ मैं ज़्यादा, और यहाँ से सीढ़ियाँ आई नीचे, सीधा आपको बागेश्वर ही लेके जाएंगी ये सीढ़ियाँ। और यहाँ पे सामने पेड़ों के पीछे छुप गया है, वहाँ पे सूरज कुंड है और वहाँ पे एक हेलीपैड भी है। कॉलेज का ग्राउंड कहाँ पे? वो सामने वहाँ पे सूरज कुंड का ग्राउंड है, कॉलेज का ग्राउंड है। तो सूरज कुंड की बोल रही है, अच्छा वो कॉलेज का ग्राउंड है उसको सूरज कुंड बोलते हैं। ये हमारी गाइड है आज के लिए। लाइक शेयर कमेंट, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग।